हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज पर से माप लेके ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। पहले हम इसकी पेपर कटिंग करते हैं। जैसे हमने ये डबल पेपर लिया है, उसको फोल्ड करके इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। पहले ब्लाउज की हम लंबाई नापते हैं। लंबाई हमेशा बैक साइड से नापेंगे, जैसे शोल्डर से यहाँ तक हम ब्लाउज़ की लंबाई नापते हैं। तो लंबाई है 14 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच लेंगे। फिर चेस्ट का 1/4 नापते हैं, जैसे इस तरह से, तो ये आता है 9 इंच। तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करते हैं। जैसे पहले हम लंबाई लेंगे, लंबाई है 14 इंच, तो हम 1 इंच इसमें प्लस करते हैं, यानी कि 15 इंच हमने लंबाई ली है। चेस्ट है 9 इंच, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। ढाई गले का और शोल्डर का हम नाप नहीं लेते, उसके लिए हम 2.5 इंच पे और 5.5 इंच पे। जैसे गले का नाप लेंगे हम 2.5 इंच पे और शोल्डर का नाप लेंगे हम 5.5 इंच पे। उसके बाद हम फ्रंट नेक नापते हैं। जैसे शोल्डर जो होता है यहाँ से, ये सीधा इस तरह से रख के यहाँ से हम शोल्डर नापेंगे, तो ये सीधा आता है 5.5 इंच। तो हम इसमें 0.5 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 6 इंच। यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे, इस तरह से यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और यहाँ पे इसका एक बॉक्स बनाते हैं। इसका एक बॉक्स बनाएंगे। आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। यहाँ से, जैसे यहाँ से हमने 5.5 लिया था, यहाँ से भी हम 5.5 लेंगे। यहाँ पे एक इसका भी हम बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम फ्रंट साइड की गोलाई लेंगे 1.5 इंच पे और बैक साइड की गोलाई लेंगे हम 2 इंच पे। अब गोलाई का शेप देते हैं। जैसे फ्रंट साइड की गोलाई हम इस तरह से देंगे और बैक साइड की भी इस तरह से देंगे। 1/4 इंच पे हम गले का निशान लगाते हैं। अभी यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और इस साइड से भी हम 2.5 इंच लेंगे। एक सीधी लाइन लगाते हैं। सीधी लाइन लगाने के बाद ये जो कटोरी का नाप होता है, जैसे इस तरह से ये कटोरी का नाप आता है, ये आता है 6.5 इंच। तो ये 6.5 इंच, ये जितना आता है उतना ही हम यहाँ पे रखते हैं। आर्महोल की साइड से, जैसे फ्रंट नेक की हमारी गोलाई है, वहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। अब फ्रंट साइड का, जैसे ये कटोरी हम जॉइंट करते हैं इस तरह से, ये कटोरी हमने जॉइंट किया है यहाँ से, जैसे शोल्डर से यहाँ तक नाप लेना है। ये आता है 4.25 इंच, तो इसमें हमें 1/4 इंच मिलाना पड़ता है, यानी कि 5 इंच। 1/4 इंच मिला के, जैसे 4.25 इंच इसका नाप आता है, तो इसमें 1/4 इंच मिलाया है, तो 5 इंच यहाँ पे हमने ये नाप लिया है। तो ये जो तीनों पॉइंट है इसको हम जॉइंट करेंगे।
अब इसके हम कटिंग करते हैं। बीच में से इसको कट करते हैं। ये हुई हमारी बैक साइड और ये फ्रंट साइड। जैसे अभी ये फ्रंट साइड जो है, ये कटोरी का जो नाप हमारा आता है, इसको हम दूसरे पेपर पर बढ़ाते हैं। अब जो कटोरी हमारा निकला था, इसको हम दूसरे पेपर पर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं। 1.5 इंच पे एक सीधी लाइन लगाएंगे। उसके ऊपर हम इस तरह से रख के पहले ये जैसा है वैसा पहले निकालते हैं। जैसा है वैसा ही मार्किंग करेंगे। इसका पहले हम सेंटर निकालते हैं। सेंटर से बिल्कुल सामने नीचे के साइड से हम एक सीधी लाइन लगाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमारा टक्स आएगा, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं और इस साइड से भी हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा टक्स के लिए आएगा। अब जो ये जो कटोरी का नाप आता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच, तो उसका हाफ आता है हमारा 3.25 इंच। तो ये 1.5 इंच के आगे हम 3.25 इंच लेंगे। यहाँ पे 3.25 इंच का मार्जिंग आता है और सिलाई के लिए थोड़ा सा लेंगे हम एक्स्ट्रा। यहाँ से भी 3.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और सिलाई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। थोड़ा सा सिलाई के लिए हम एक्स्ट्रा लेके इसको कटोरी का शेप देंगे। अब इसके हम कटिंग करते हैं। इस तरह से ये कटोरी का शेप आता है। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइंट करते हैं, यहाँ पे शोल्डर से सीधा हम स्लीव्स का नाप लेते हैं इस तरह से। ये तो ये आता है 4.5 इंच और यहाँ पे बाजू का बॉटम है 5.5 इंच। तो हमने ये
डबल पेपर लिया है, डबल पेपर लेके इसको हमने फोल्ड किया है, डबल पेपर लेके इसको फोल्ड किया है। तो हम जो आर्मोल लेते हैं, ये जो आर्मोल है हमारा, इसको हम क्रॉस में नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हम आर्मोल नापते हैं। तो ये आता है 1.5 इंच, तो इसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे ताकि 1.25 इंच हमारा ये आएगा। सौ 1/8 इंच हमारी बाजू की चौड़ाई आएगी, लंबाई है 4.5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे 6 इंच। यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं, ये हमारी फोल्ड के लिए पट्टी आएगी। यहाँ पे हम 3 इंच पे एक निशान लगाते हैं, यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इस साइड से भी हम 1 इंच लेंगे, तो ये भी सीधा 1 इंच पे लेंगे और ये भी सीधा 1 इंच पे लेंगे, और यहाँ से हम दोनों को शेप देंगे। बॉटम में 5.5 इंच हम 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे, तो ये इस तरह से आएगा। अब इसके हम कटिंग करते हैं। इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग आएगी। तो ये बैक साइड का गला जितना डीप चाहिए आप उतना डीप आप ले सकते हो। ये हमारी 36 इंच कटोरी ब्लाउज़ की हमारी कटिंग हो चुकी है। जैसे हमने कटोरी ब्लाउज़ पर इस पर नाप लेके कटिंग कैसे करनी है ये हमने देखा है।